गुड मॉर्निंग गाइज, हमारी सुबह सुबह हो चुकी है। इट्स 6 o'clock इन द मॉर्निंग। सो मतलब पहाड़ों की जो मॉर्निंग होती है ना, वो बहुत मस्त होती है। ऑटोमेटिकली नींद खुल जाती है, शहरों में पता ही नहीं लगता, पर्दे लगे हुए हैं, अंधेरा कर रखा है घर में, एसी चल रहा है, सुबह के 10-10 बजे तक सो रहे हैं। जो असली जीवन है वो पहाड़ों में ही है। ये जितनी बार हम पहाड़ों में आते हैं उतनी बार हमने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है। एंड सॉरी फॉर माई वॉइस, मुझे बहुत गंदा वाला जुकाम हुआ पड़ा, मेरा नाक बिल्कुल बंद है, तो आवाज़ मेरी ऑटोमेटिकली नाक से ही निकल रही है। तो हम आपको अब दिखाते हैं, हमारे सदस्यगण सब उठ चुके हैं। वो रहे अनुपम जी, नीरज जी ब्रश कर रहे हैं, चौधरी जी खड़े हैं पोज मार के, ये नहीं कि मैं चाय रख के नहीं खड़ा हूँ। मैं बताता हूँ मजे की बात, नीरज हाँ। जी, नीरज जी सुबह से 10 बार इधर उधर हो गए, प्रेशर बना रहे हैं। नीरज जी को चाय पीने के बाद ही प्रेशर बनता है। नीरज जी का चाय पीने के बाद ही प्रेशर बनता है। कह रहे थे, मैंने कहा चल चाय बनाते हैं दूसरी, हम लोग जो पीते हैं। हाँ। तो कह रहे नहीं यार, वो चलो कहते वो वाली पी लेते हैं फिलहाल, गर्म हाँ। पानी पी लिया उन्होंने हाँ। कि अंदर ज्वालामुखी उठे इनके हाँ। अभी ग्रीन टी पियेंगे, फिर उसके बाद ब्लैक टी पियेंगे, फिर उसके बाद टी पियेंगे। अब तुम अपनी टी बनाओ, क्योंकि वो गाड़ी के ऊपर बहुत सारे पड़े हैं बर्तन, मुझे साफ करने हैं, रात को नहीं किए थे। तब तक तुम चाय का नियोजन करो, तब तक मैं क्विकली बर्तन साफ कर लेती हूँ। इतनी अच्छी नींद अभी मुझे इस सेटअप पे आई है ना, तीन मैं इससे पहले बना के गिरा चुका हूँ, इससे अच्छी नींद कभी नहीं आई। और मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं सुबह जो ब्रश कर रहा था अभी, अच्छा वीडियो बना रही थी, देखो इधर आके दिखाऊँ, मैं इधर आओ आप, अपने मुंह अपनी तारीफ बनती है, बहुत कम करते हैं लोग, दूर से देखो यूनिक सेटअप है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बहुत लोगों से मिलके आए हो, हजारों तरीकों के देखे होंगे। ये कि ये इस टाइप से ये तो बहुत ही यूनिक है, बिल्कुल यूनिक है। और जो वो बात आती है, किचन पूरी गाड़ी के बाहर हो गई है। नहीं, दूसरी बात आती है वो प्रैक्टिकल वाली। एक तो होती ना खाली, वो आपने वो शो पीस बना दिया, जो प्रैक्टिकल होने वाली बात आती है ना कि आपकी चीज आपके मतलब कितनी रीच में है, वो चीज नोट करो आप। मेन चीज तो वही होती है ना, एक तो ऑन कैमरा जो हम लोग करते हैं वो तो अलग हो गई कि भाई इस चीज सुंदर लगनी चाहिए, प्रैक्टिकल कितनी देखो आप, सारा सामान उधर पड़ा है, टेबल आपका देखो उधर बिजी है मेरा आपके पास, ठीक हाँ। है टेबल मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो भी टेबल पे सामान होता था वो सारा इस सेक्शन में पड़ा है, सब इधर आ गया। अभी चाय बनाऊंगा, पानी यहाँ पे, चाय पत्ती यहाँ पे, चीनी यहाँ पे, जो मसाले डालने वो यहाँ पे, बर्तन सारे यहाँ पे, सब कुछ यहीं पे। इसीलिए रसोई का बाहर होना बनता है, अदरवाइज सब कुछ ड्रॉर में था तो ड्रॉर के पीछे सामान होता था, आधा हमारे बेड पे सामान होता था, पहले आपका एसी में ही था ना, एसी के साथ ही था। ये भी बहुत बड़ा लंबा बनाया था मैंने, बट ये जो चीज बनी है बहुत समझ लो R&D की है, तगड़ी, उसके बाद सोच के फिर बनाया है। तो भाई अभी आज शाम के लिए हम लोग बनाने वाले हैं जबरदस्त इटालियन पास्ता, और ये नाम का इटालियन पास्ता नहीं होगा, प्रॉपर इटालियन फ्लेवर खिलाएंगे, क्योंकि हमारे साथ सदस्यगण हैं वो भी इस चीज़ के लिए राजी हो गए कि भाई आज आप लोग इटली से आए हो तो आप इटालियन पास्ता बना के खिलाओ, तो इटालियन पास्ता बना के खिलाएंगे। सदस्यगण हमारे अभी उधर तैयारी कर रहे हैं, क्या बात है, फेरी लाइट की। तो अभी हम डालते हैं इसमें तड़का अपना, ये गया अपने प्याज और हरी मिर्च, बाकी हमारे पास क्या है, बहुत कुछ है आज हमारे पास चौधरी जी, डाल दूंगा इसके अंदर, टमाटर है, लहसुन है, आज मतलब बढ़िया काम कर दूंगा हाँ। वैसे प्योर इटालियन फ्लेवर में टमाटर लहसुन हम डालते नहीं, पर हम इतनी चीटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे फ्रेंड्स को पसंद आए, अच्छा फ्लेवर मिले, मतलब ऑथेंटिक वो बना दिए इटालियन वाला, तो फिर वो फ्लेवर एकदम नया होगा, पता नहीं अच्छा लगे ना लगे, अच्छा लगे ना लगे, तो वो रिस्क हटाने के लिए थोड़ा इंडियन टच देना पड़ेगा। हमारे प्याज और पत्ता गोभी, और ये हम लोग डाल रहे हैं लहसुन, गार्लिक फ्लेवर ऐड करने के लिए, और ये गारंटीड अच्छा बनने वाला है, यहाँ पर कोई ट्रायल नहीं हो रहा, ये अच्छा ही बनेगा, सुन रहे हो नीरज जी, अच्छा ही बनेगा ये। यहाँ पे मेरे साथ ऐसा कोई ट्रायल वाला सिस्टम नहीं है, ये पास्ता मैं बना रहा हूँ आपको, आप खाना, आप बताना
कि कभी ऐसा ट्राई किया या खा के देखा, ऑनेस्ट रिव्यू लिया जाएगा आपका, ठीक है? सो अभी हम लोग डालते हैं इसके अंदर कश्मीरी मिर्च या शिमला मिर्च, जो भी आप लोग कहते हो। शिमला मिर्च है ये। शिमला मिर्च, कश्मीरी मिर्च कैसी होती है वैसे? पता नहीं, लंबी वाली होती है वो शायद। नहीं, ऐसी होती है वो भी, मुझे याद नहीं है। अलग अलग नाम है इसका। तो ये डालते हैं, पूरा प्रोसीजर आपको बताएंगे जिससे कि आप पूरा कॉपी मार सको पूरी बढ़िया। एक एक चीज तभी दिखा रहा हूँ मैं डाल के आज। अब इसके बाद डालेंगे टमाटर। इधर दूसरी साइड पर हमारे बाइकर साहब किधर चले गए भाई? कहाँ गायब हो गए अंधेरे में? ये कुत्ता रात को ही क्यों बोलता है? पता नहीं, सही बात है, आज सारा दिन चुप रहा है ये। सारा दिन चुप रहा है, इसको जब पता लग जाता है हम कैमरा उठा लिया रात को, अभी शूटिंग कर रहे तो बोलता है। नहीं, ये रात को पता है हमें डरा देता है। नीरज जी, कल भी वही वाली बात होगी ना, ये रात को ही भौंकता है, सारा दिन सो रहा है। बस ये लो। तो इधर हमारे नीरज जी, उत्तराखंडी टमाटर, हाँ ये हाइब्रिड है, यहाँ पर ये तैयारी कर रहे हैं अपना पुलाव बनाने की, सोयाबीन पुलाव बनाया जा रहा है। और इन्होंने सेटअप देखो, इन्होंने सेटअप देखो कितना अच्छा लगाया है। सोयाबीन पुलाव बनाया जा रहा है यहाँ पे, और सोयाबीन पुलाव में खास बात यह है कि उत्तराखंड से खरीदा हुआ टमाटर है, हाइब्रिड टमाटर है ये, पता नहीं हमें उत्तराखंडी टमाटर है जी। और उत्तराखंडी प्याज है। सही है, सही है, दिल्ली से कुछ नहीं लाया गया। तो जी हमारा तड़का तैयार हो गया पास्ते का, अब इसमें जा रही है हमारी, क्या बात है, व्हाइट व्हाइट क्रीम, पानी आ रहा है मुँह में, पानी अभी आएगा, आज तो ध्यान उसमें। क्या कर रहे हो? ये तो बड़ी गलत आवाज निकाल दी खाने से पहले ही। हाँ, तो पेट खराब है इसका लगता है, पेट खराब है इसका, पैकेट का एक बहुत है। हाँ, बहुत है वो बहुत ज्यादा, फिर थोड़ा पानी डाल के दो इसको शेक करके, फिर डालते हैं इसके अंदर। तो भाई जैसा कि आप सब जानते हो कि हम लोग इटालियन पास्ता बना रहे हैं, तो हम लोग इटली से वहाँ की जो जड़ी बूटियाँ हैं, 136 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं इटली की, वहाँ का ये मसाला है, वो 136 प्रकार की जड़ी बूटियों को मिला के हमने बनाया, ये हमारी सीक्रेट है। बस हमने ये बता दिया कि इटली का है, मसाले कौन से इसके अंदर वो सीक्रेट है, जैसे हर बड़े होटल वाले के रेस्टोरेंट वाले की होती है, उसी 136 प्रकार की जड़ी बूटियाँ या मसाले, जड़ी बूटियों का मिश्रण है ये मसाला, ऐसे कुछ कहते हैं ना वो रेस्टोरेंट वाले, तो वो वाले मसाले हैं, बट ये सीधे इटली की पहाड़ियों से आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे सदस्यगणों को भी आज पसंद आएंगे ये, ठीक है, ज्यादा ही पसंद आएंगे, देखते हैं। ये लो जी। और अगर नहीं आए तो फिर? नहीं आए तो फिर भी अब क्या कह सकते हैं, पसंद तो आनी चाहिए, नहीं तो फिर ये जिसको पसंद नहीं आए उसको ये मशाल देंगे, वो पूरे ग्राउंड के राउंड काटेगा, ठीक है भाई। ये अपनी बढ़िया थिक ग्रेवी तैयार हो गई है, क्योंकि हम लोग व्हाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं, तो पास्ता अपना उबल चुका है, अब डायरेक्ट जाएगी इसमें, और उसके बाद इंतज़ार किसी को नहीं करवाया जाएगा। ये गया भाई, ज़बरदस्त जूसी पास्ता होने वाला है अपना, सारा साफ कर देना, सफा चट, प्रेशर कुकर में बिल्कुल भी क्रीम नहीं रहनी चाहिए। ये तो कभी नहीं रहेगी। ब्रेड पड़े हैं, तुमको तो वैसे भी ब्रेड के साथ पास्ता खाना बहुत पसंद है ना। नीरज जी भी हमारे ऐसे ही हैं। हाँ। लास्ट में जो बचा है नीरज जी साफ कर सकते हो। हाँ, स्क्रैच करके। व्हाइट पास्ता, व्हाइट क्रीम, हाँ व्हाइट क्रीम पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, या ठीक है। ये हो गया हमारे अनुपम जी, जो बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं वो कम ही खाएंगे, बोल दो, हंसो मत। और तो नहीं मिलेगा ना? और मिलेगा, खाओ आप जितना खाना खाओ। अच्छा, बहुत टेस्ट है, तभी पूछ रहे हो। मुझे लगा अच्छा नहीं लगा तो कह रहे और तो नहीं दोगे ना, बस यही खा लूं मैं, बहुत है। उनको भी दे दो गरम गरम। हाँ नीरज जी, आप भी ले लो गरम गरम, ये तो ठंडा खाने का पास्ता मजा नहीं आता। बना लेते हैं, इसमें दे दूं पास्ता, ठंडा खाने का बिल्कुल मजा नहीं आएगा। इसमें डालो, ये ले ले। तो भाई हम लोगों ने पास्ता हजम कर लिया, सबने पास्ता टेस्ट कर लिया, सबको बहुत ज्यादा पसंद आया है, और ये अब हम लोग खाने वाले हैं, क्या ये सोयाबीन के पुलाव, सोयाबीन राइस, सोयाबीन पुलाव, जो भी आप कहो इसको, जो भी नाम देना चाहते हो। और ये बनाई है हमारे नीरज भाई ने, सारा मजा ख़राब कर रहा है ये जो डॉगी है हमारे पास, एक यहाँ पर ये ऐसा डॉगी है, रात को ही भौंकता है बस। वो अपनी सिक्योरिटी कर रहा है, भौंक। हम सोच रहे हैं वो हमारी सिक्योरिटी करेगा, कोई बाघ वगैरह आ गया, वो खुद ही डरा हुआ है। और चावल बन गए हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, अब ये ख़त्म कौन करेगा, दो मेंबर हमारे सो गए हैं। तो भाई चाय पीने के बाद अभी हम लोग यहाँ पर, हम लोग नहीं, मैं शूट कर रहा हूँ, ऐसे हम लोग कह दो तो ये ऑफेंड हो जाती है तुरंत, कि मांझ मैं रही हूँ कह देते हो हम लोग। और नहीं तो क्या,
तो सुबह सुबह भी बर्तन मंजाई चल रही है यहाँ पर। हम लोगों को पानी मिल गया क्योंकि मंदिर नजदीक में है, उसका ये पूरा टैंक बना हुआ है, पानी का नियोजन हो गया। तुम्हारे डायलॉग बड़े फनी होते हैं, पता क्या है? मंजाई बर्तन मंजाई चल रही है तो बर्तन मंजाई चल रही है यहाँ पर। और वो उधर देखो भी हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये देखो। आज ब्रेकफास्ट हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर लोकल एक फैमिली रहती है, उन्होंने हमको अपने आश्रम पे इनवाइट किया है, प्रॉपर पहाड़ी फैमिली है। तो अगेन हम कुमाऊँ रीजन की तरह लकी साबित हो रहे हैं, यहाँ पर भी हमको लोकल्स द्वारा बहुत प्यार मिल रहा है। तो बाद में जाते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है वहाँ पर, आपको भी साथ में ज्वाइन करेंगे, करवाएंगे और देखेंगे क्या क्या खाने को मिलता है। लेट्स सी ब्रेकफास्ट में नहीं हो, देखते हैं क्या हुआ, क्या नॉर्मली होगा सब कुछ, जाहिर सी बात है। अभी तो डिपेंड करता है, लंच डिनर करो तो आपको उम्मीद रखनी चाहिए ना। बट इतना है कि जब भी मैं पहाड़ों में आता हूँ, मुझे कोई इनवाइट करे तो मेरे को वो बड़े बड़े से ख्याल आने लगते हैं, पता नहीं यार ये कैसा बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, क्या चीज़ बनाएंगे, अलग बनाएंगे, वो ऑल और मतलब वो होता है ना, एक हो जाती है एक्साइटमेंट सी, मेरे को एक्साइटमेंट सी हो जाती है कैसा होगा। बेसिकली हमारी जो इंडियन फैमिलीज है, इंडिया में जो रह रही है, उनका तो बेसिक ब्रेकफास्ट तुम्हें पता ही है क्या होता है। तो तुम ये मत एक्सपेक्ट करना कि इटली की तरह हो, लाओ के सामने एक कॉफी, एक ब्रियोश होता है ना, क्या कहते हैं उसको, वो रख देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो प्रॉपर फुल फ्लेज्ड ब्रेकफास्ट होगा। चलो अच्छा है, फिर हम आगे अपना लंच स्किप करके आगे निकल जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि आज इस लोकेशन को हम अलविदा कहने वाले हैं। और इस लोकेशन पर जब भी हम देहरादून साइड आते हैं, ना आए ऐसा नहीं हो सकता। इस लोकेशन का नाम इठारना है, देहरादून से मात्र आई थिंक 15-16 किलोमीटर पड़ती है शायद, इतनी है। तो यहाँ पर हम जरूर आते हैं, यहाँ से जाए मतलब हुए बगैर हम जाते नहीं, और हमारे शिव जी के दर्शन भी हो जाते हैं यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पर आते हैं, जरूर है।